क्राइम्स थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब महिला थाने में काउंसलिंग के लिए आए ससुरालियों ने समझौते के लिए जा रही बातचीत के दौरान जिला अस्पताल परिसर में ही दामाद सरफराज की जमकर पिटाई कर दी और काफी देर तक हंगामा चलता रहा। इतना ही नहीं, ससुराल वाले दामाद को पीटते हुए बराबर में ही स्थित सीओ सिविल लाइन कार्यालय और महिला थाने के सामने से गुजरते हुए दामाद का गिरेबान पकड़कर सिविल लाइन थाने ले गए और पुलिस के हवाले कर दिया। ससुरालियों द्वारा दामाद के साथ की गई मारपीट और थाने ले जाने का पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया। मामला यहीं नहीं रुका, उधर अस्पताल में जब पुलिस पहुंची और दामाद की पिटाई करने वाले अन्य लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया तो लड़की पक्ष के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से कोई लोगों को अपने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना को लेकर कोई पुलिस का अधिकार कैमरे के सामने आकर बोलने से मना कर रहा है। मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित महिला थाने में शनिवार को एक मुकदमे में लड़की पक्ष और लड़के पक्ष को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। काउंसलिंग से पहले दोनों पक्ष आपस में बातचीत करने के महिला थाने के बराबर में बने जिला अस्पताल में आ गए। बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर कहा सुनी के बाद ससुरालियों ने दामाद को पीटना शुरू कर दिया। जी हाँ, ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया। वहीं शबीना उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती है। शबीना का आरोप है कि दो दिन पहले ससुराल के सभी लोगों ने मिलकर मुझको पीटा, मेरे पूरे शरीर पर चोटों के निशान हैं। सरफराज पक्ष के अयूब हुसैन ने बताया कि दो दिन पहले सरफराज और शबीना के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद शबीना के परिवार वालों ने सरफराज पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की, लेकिन सरफराज के ही खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी और उसी सिलसिले में काउंसलिंग के लिए दोनों पक्षों को बुलाया गया था, जिसको लेकर समझौते के लिए महिला थाने के बराबर स्थित जिला अस्पताल के प्रांगण में बातचीत कर रहे थे। तभी सरफराज के ससुरालियों ने उसको पीटना शुरू कर दिया और पीटते हुए थाने ले गए। शादी से 15 दिन बाद ही मुझे तंग करने लगे थे। कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 31 मार्च को बारात गई थी। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? सरफराज। कहाँ के रहने वाले हैं? कौन सा थाना लगता है? ठाकुर द्वार। ये आपके साथ मारपीट शुरू करी गई है, इसमें आपके हस्बैंड भी थे या घर का उनको कोई और भी था? परिवार। क्या क्या नाम है बता सकते हैं? सास, सास का नाम समी, फिर दोस्त नंदर और एक छोटी नंद साई। क्या डिमांड कर रहे हैं? किसी पैसे वैसे की डिमांड है, किसी चीज़ की कोई डिमांड है? हाँ, किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं लोग? 2 लाख रुपए और बुलेट गाड़ी। शादी से 15 दिन बाद ही मार कर दी थी। तो आपके द्वारा दी नहीं गई चक्कर में मारपीट कर रहे हैं जी? कितने महीनों का शादी को? मेरी 31 मार्च को बारात गई थी और मुझे 7 महीने की प्रेगनेंसी थी। तो ये मारपिटाई कब हुई आपकी? ये मारपिटाई 17 तारीख 10 बजे सुबह 10 बजे। थाने भी दे दिया आपने? मैं थाने में गई थी सर। 100 नंबर को कॉल करी जब मुझे होश आया। होश आने के बाद कमरे में बंद करके डबल बेड पर, ये पता नहीं किस चीज़ से निशान देखा, आप देख सकते हैं कि किस चीज़ से मारा। कुकनी थी, लोहे का पाइप जिससे चूल्हे मांग रहा थे, लोहे की और डंडे। और सर पता नहीं सास ने नंदो ने, बस इतना होश है मुझे, जब तक सास ने नंदो ना मारा। उसके बाद जब मैंने ससुर को और अपने हस्बैंड को बढ़ता देखा कमरे में, और जब उन्होंने मुझे मारा जिस चीज़ से, मैं तो भी होश आया। उसके बाद सारे मिस्त्री मुझे नहीं पता इस चीज़ के, आप देख सकते हो मेरी हालत। क्या मामला था प्रधान जी? आज ये परसों का मैटर है साहब। दोनों मियाँ बीवी में सरफराज, उनकी पत्नी सबीना, दोनों में आपस में झगड़ा हो गया था किसी बात को लेके। उसके बाद में उनकी घरवाली ने सवेरे 100 नंबर को फ़ोन करा, उनके घर के साहब सब लोग जाके मारपीट करी। मारपीट करने के बाद में साहब उसे थाने भेज दिया लड़के को, उसे हमने जमानत कराई। जमानत के बाद में साहब इन्होंने सिविल लाइन थाने फिर मुकदमा कर दिया। जब मुकदमा कर दिया तो साहब हम फिर लेके आए उनको, जब हमें बुलाया गया अधिकारियों ने। तो आज क्या बात हुई जिला अस्पताल में? आज ये हुआ साहब, जिला अस्पताल से लड़के को उठा कर मार के, और 4-5 लोग जो है दमंगई से उसको उठा कर लाया, जान सामान्य को धमकी देते हुए लेके आए उसको, फिर उसके ऊपर मुकदमा करवाने के लिए। आज अस्पताल किस लिए आए थे? अस्पताल इसलिए आए थे साहब, उनसे बात हो जाए, फैसले की बात हो जाए, सुलह हो जाए तो अच्छा है। महिला थाने में आए थे जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अयूब प्रधान, सरकड़ा परम। शादी कितने समय पहले हुई? शादी करीब 9 माह पहले हुई।
कहाँ की ससुराल, लड़का कहाँ का रहने वाला है? लड़का सरकड़ा परम है, थाना ठाकुर द्वारा, जिला मुरादाबाद। और लड़की? लड़की महदूद और काट थाना है। मैं गुरु नानक राइस मिल तरावड़ी से मलकीत सिंह सभी प्रदेशवासियों को दिवाली और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। श्री गुरु नानक देव जी और लक्ष्मी जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा गुरु नानक राइस मिल के चेयरमैन सरदार मलकीत इंद्र सिंह कम्बोज की ओर से सभी देशवासियों और तरावड़ी नगर वासियों को धनतेरस, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ साथ आप सभी को शुभ दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक राइस मिल, गांव चोपड़ी तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9896767700, 7082093700, 9468227222, 7027551000, 9050111009। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।